तो अभी हम अड्डे पे उतर गया। रक्षे वाला क्या कहता है? रक्षे वाला पे कहता है अगर आप यहाँ से पैदल जाएंगे तो अलग अड्डा लगेगा, लेकिन अगर वो हमें रिक्शे पे लेके जाएगा तो 2 से 3 मिनट। फिर सैयद बहुत डांडा जवाब दिया, पहले उसको क्या उस्ताद जी जान से नहीं है, तू चला के उठ के चला जाए, चेक करो हम आ गए। अभी हम जा रहे हैं मस्त यूनिवर्सिटी, वॉक करते हुए मस्त यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं हम, वॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग आधा घंटा में लगेगा। बहुत आरामी थी साथ ही, आपको 3 मिनट लगे। कहते हैं ये टावर नहीं है, ये टावर आप देख रहे हो, आपने कहा जी देख रहे हैं। मैंने उसको क्या आंख पे लगी आई साइड थोड़ी वीक है, इस वजह से थोड़ा बहुत नजर आ रहा, कहता चलो जितना आ रहा उतना देख लो। फिर हमने उतने ही देखा, हमने तभी उतने ही देख के चल पड़े, हमने कहा देखते हैं। उस टाइम क्या टावर के पास पहुंचे नहीं, बस आगे चल रही है, 50 रोटी मिल जाएगी। बचिया शचिया भी हैं, आपको पोल्ट्री कराएंगे वो। अली जो है वो बड़ा शकीर है पोल्ट्री का, ये अली है, अली भाई तारुफ कराओ अपना। प्राणो में ना बैठो ना जी, अभी पैदल जाते यार, समझा करो ना यार, क्यों यार, वो भी तो बेचारा यार, अच्छा पैदल चल रहे यार, खैर है पैदल चल के क्या हो जाएगा, थोड़ी वॉक भी होनी चाहिए, चेक करो प्लाजा यार, दुकान भी हमारी। पीड़ो इतनी भी लंबी ना करो, उसको उसको पते हम पहली बार आए हैं, ये बताना नहीं था बंदों को, पता समझा करो ना, कहेंगे पहली बार तो पैदल जा रहे हैं, वो करेंगे ना, करो तभी पैदल जाओ, वो करेंगे निजामी, क्या उल्लू बनाएंगे, इतनी बड़ी बसा आ गया, ये मैं सलाम करने आई, बाकी बात करी मेरी व्लॉग है, मेरी व्लॉग है, वालेकुम सलाम, फिर मिलते हैं यूनिवर्सिटी में जाके सब भाइयों से।